आई एम संजय कुमार सिन्हा, असिस्टेंट प्रोफेसर बीसी डिपार्टमेंट फ्रॉम महिला कॉलेज चाईबासा। टुडे वी विल रीड पेपर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावा फॉर बीसीए फोर्थ सेमेस्टर। एंड टुडे वी विल रीड JVM, जावा वर्चुअल मशीन, CLA, कमांड लाइन आर्गुमेंट्स, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स। एंड टुडे दिस इज थर्ड लेक्चर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज JVM, जावा वर्चुअल मशीन? JVM इज एन एब्स्ट्रैक्ट मशीन। इट इज ए स्पेसिफिकेशन दैट प्रोवाइड्स रन टाइम एनवायरनमेंट इन विच जावा बाइट कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड। देखिए, हम लोगों ने लास्ट क्लास में आपको बताया था, हमने चूँकि लास्ट हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें कि सी और सी प्लस प्लस जो आप दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ चुके हैं और आप जावा पढ़ रहे हैं, तो दोनों से डिफरेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। सी और सी प्लस प्लस से क्या डिफरेंस था, तो उसमें हम लोग कुल मिला के हम लोग अभी JVM जो पढ़ रहे हैं, आप देखे होंगे कि सी और सी प्लस प्लस से डिफरेंट सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो JVM है, जावा वर्चुअल मशीन, ये एक आदम खास बनाता है जावा को, और ये जो कि सी और सी प्लस प्लस में नहीं था ये फैसिलिटी। तो यहाँ हम लोग उसको थोड़ा डिटेल्स पढ़ेंगे JVM के बारे में। तो इसलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लियर यहाँ पर करता है कि एक स्पेसिफिकेशन है जो कि हम लोगों को एक रन टाइम एनवायरनमेंट में हम लोगों को ये फैसिलिटी देता है, जिसमें जावा में जब हम लोग कोडिंग करते हैं, जब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, तो वो कंपाइल जब करते हैं तो सबसे पहले वो बाइट कोड में उसको कन्वर्ट करता है, और बाइट कोड में यही JVM जो है बाइट कोड में उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक एनवायरनमेंट देता है। JVMs आर अवेलेबल फॉर मेनी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। JVM जो होता है तो कई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होगा। ये चूँकि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, जैसा प्लेटफॉर्म हम लोग यूज करेंगे, जिस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये JVM अपने को एनवायरनमेंट में उस तरह से अपने को रेडी करेगा, और ये उसी प्रकार से ये बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा। फिर हमने एक डेफिनेशन लिखा है, व्हाट इज JVM? इट इज ए स्पेसिफिकेशन वेयर वर्किंग ऑफ जावा वर्चुअल मशीन इज स्पेसिफाइड बट इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइडर इज इंडिपेंडेंट टू चूज द एल्गोरिथम। इट इम्प्लीमेंटेशन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय ओरेकल एंड अदर कंपनीज। ये चूंकि जावा वर्चुअल मशीन के बारे में हमने एक डिटेल्स दिया है कि ये एक इंडिपेंडेंट है जो कि जो जिस तरह का इम्प्लीमेंट करना चाहे उस तरह से एल्गोरिथम वो चूज कर इम्प्लीमेंट करता है, और ये चूंकि ओरेकल और कई सारी कंपनीज इसको सपोर्ट करती है इसके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट को। इम्प्लीमेंटेशन है क्या ये? एन इम्प्लीमेंटेशन इज नोन एज JRE, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। जब हम लोग जावा इंस्टॉल करते हैं उस वक्त ये JRE हर एक सिस्टम में इंस्टॉल होता है और वही इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। रन टाइम इंस्टेंस, वेन एवर वी राइट जावा कमांड ऑन द कमांड प्रॉम्प्ट टू रन द जावा क्लास, एन इंस्टेंस ऑफ JVM इज क्रिएटेड। जब जावा कमांड हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट में लिखते हैं जावा क्लास में, उस वक्त ये JVM जो है क्रिएट होता है। और JVM करता क्या है, देखिए यहाँ पर एक फंक्शन उसके बारे में लिखे हम लोग कि द JVM परफॉर्म्स फॉलोइंग ऑपरेशंस। लोड्स कोड, मतलब कोड सबसे जो भी कोडिंग हम लोग करते हैं उसको सबसे पहले लोड करता है, देन वेरीफाइज कोड, देन एग्जीक्यूट्स कोड, एंड फाइनली प्रोवाइड्स रन टाइम एनवायरनमेंट। फिर वो उस तरह का रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जो आपका जो सिलेबस में है टॉपिक जो है आपका वो है कमांड लाइन आर्गुमेंट, CLA, जावा कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। एक कमांड लाइन आर्गुमेंट इज एन इंफॉर्मेशन दैट डायरेक्टली फॉलोज द प्रोग्राम्स नेम ऑन द कमांड लाइन व्हेन इट इज एग्जीक्यूटेड। टू एक्सेस द कमांड लाइन आर्गुमेंट्स इनसाइड ए जावा प्रोग्राम इज क्वाइट ईजी, दे आर स्टोर्ड एज स्ट्रिंग्स इन द स्ट्रिंग एरे पास टू मेन। जब हम लोग एरे जावा का प्रोग्राम लिखते हैं तो एक डायरेक्टली जब हम लोग कोई भी कमांड लाइन में जब हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम को लिख कर उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो जब जावा प्रोग्राम में एक सिंगल एक नेम देते हैं जब प्रोग्राम का नाम, जहाँ जिसके थ्रू वो एग्जीक्यूट करता है और वो मेन फंक्शन में अवेलेबल होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पर एक सिंपल हमने एग्जांपल दिया है, पब्लिक क्लास कमांड लाइन, ठीक है, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, ठीक है, फिर फॉर लूप चलाया हमने यहाँ पर, इंट आई इज इक्वल टू जीरो, जीरो से स्टार्ट करेगा, आई लेस देन ARGS डॉट लेंथ, जो जितना भी आर्गूमेंट देंगे हम लोग पूरा लंबाई तक वो चल लेगा, और आई प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट करते जाएगा, फिर उसको डिस्प्ले करेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ARGS और आई प्लस, उसको पूरा जो भी वहाँ पर होगा उसको डिस्प्ले करेगा,
किसको डिस्प्ले करेगा, आर्गुमेंट्स को। देखिए जब रन कराएंगे यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि जावा कमांड लाइन में हम लोग क्या लिखे, दिस इज ए कमांड लाइन 200 और माइनस 100, इस तरह से लिखे हम लोग कमांड लाइन में। तो जब रन कराएंगे तो देखिए आउटपुट में क्या करेगा, ARGS 0 को सबसे पहले, क्योंकि वो लूप चल रहा है तो 0 में दिखाएगा दिस, हर एक अलग अलग वर्ड को डिस्प्ले करेगा, 0 में दिस, 1 में इज, 2 में ए, 3 में कमांड, 4 में लाइन, 5 में 200 और 6 में माइनस 100। इस तरह से जो भी कमांड लाइन में हम लोग आर्गुमेंट डालेंगे उस लूप के थ्रू पूरा एग्जीक्यूट करेगा। तो ये सिंपल एक जावा कमांड लाइन आर्गुमेंट हम लोगों ने यहाँ पढ़ा। देन जो आपका सिलेबस में अब यहाँ से हम लोग को अलग एक पढ़ना है, इसमें टॉपिक है कॉन्स्टेंट, ठीक है, जो आप सी और सी प्लस में पढ़ चुके हैं, थोड़ा करीब करीब यहाँ थोड़ा डिफरेंस है बट करीब करीब वही चीज़ है, फिर भी हम लोग यहाँ देखेंगे। ए कॉन्स्टेंट इज ए वेरिएबल हुज वैल्यू कैनॉट चेंज वंस इट हैज़ बीन असाइंड। मतलब जब हम लोग कॉन्स्टेंट एक वेरिएबल है, क्योंकि इसमें वैल्यू जो हम लोग एक बार इनपुट लेते हैं वो हम लोग उसको असाइन एक बार करने के बाद उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। जावा डजेंट हैव बिल्ट इन सपोर्ट फॉर कॉन्स्टेंट। ए कॉन्स्टेंट कैन मेक आवर प्रोग्राम मोर इजीली रीड एंड अंडरस्टूड बाई अदर्स। इन एडिशन ए कॉन्स्टेंट इज केस्ड बाई द JVM एज वेल एज आवर एप्लीकेशन, सो यूजिंग ए कॉन्स्टेंट कैन इम्प्रूव परफॉर्मेंस। कहता है ए कॉन्स्टेंट जो है हमारा प्रोग्राम इजी करता है समझने में और रीड करने में भी और समझने में भी, दूसरों को समझने में भी आसान बनाता है। जो JVM है वो और इसको परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। टू डिफाइन ए वेरिएबल एज ए कॉन्स्टेंट वी जस्ट नीड टू ऐड द कीवर्ड फाइनल इन फ्रंट ऑफ द वेरिएबल डिक्लेरेशन। जब हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल को कॉन्स्टेंट बनाने के लिए हम लोगों को सिर्फ ऐड करना पड़ेगा एक कीवर्ड जो कि फाइनल नाम से कीवर्ड है। नीचे देखिए सिंटैक्स लिखे हैं, फाइनल फ्लोट पाई इज इक्वल टू 3.14f। तो जैसे यहाँ देखिए हमने पाई का वैल्यू, अब सबको पता है कि 3.14 है, एफ फ्लोट के लिए यूज किया गया है, तो यहाँ हम लोगों ने फाइनल कीवर्ड के थ्रू अगर डाल देंगे तो ये कॉन्स्टेंट वैल्यू होगा, मतलब इसको हम लोग चेंज अब नहीं कर सकते। वी कैनॉट चेंज द वैल्यू ऑफ पाई और एट एनी पॉइंट इन द टाइम ऑफ द प्रोग्राम। जब प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करेंगे तो पाई का वैल्यू आप यहाँ बदल नहीं सकते। लेटर इफ यू ट्राई टू डू दैट बाई यूजिंग ए स्टेटमेंट लाइक पाई इक्वल टू 5.25f, तो उस तरह से अब हम लोग यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट, हम लोग यहाँ पर उसको चेंज नहीं कर सकते। जावा विल थ्रो एरर्स एट कंपाइल टाइम इटसेल्फ। और अगर मान लीजिए कि हम लोग बार बार चेंज करने का प्रयास करेंगे पाई का वैल्यू, तो जावा वहाँ पर एरर कंपाइल के टाइम में एरर शो करेगा। इट इज़ नॉट मैंडेटरी दैट इफ़ यू नीड टू असाइन वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टेंट्स ड्यूरिंग इनिशियलाइजेशन इटसेल्फ। ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग हर एक वैल्यू को, मतलब जो भी हम लोग वहाँ कॉन्स्टेंट लेंगे मतलब वहाँ हम लोग इनिशियलाइज करना ज़रूरी है, हम लोग बाद में भी उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, वैल्यू ले सकते हैं। इन द वैल्यू एग्जाम बिलो एग्जाम्पल वी कैन डिफाइन द प्रिमिटिव डेटा टाइप, जैसे बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन एंड कैर, ये सब हम लोग डेटा टाइप यूज करते हैं। वेरिएबल साइज कॉन्स्टेंट बाई जस्ट एडिंग द कीवर्ड फाइनल व्हेन वी डिक्लेयर द वेरिएबल। जनरली वही वेरिएबल हम लोग यूज करेंगे जो हम लोग डेटा टाइप लेते हैं, बट उसमें सिर्फ अगर फाइनल जोड़ देंगे तो कॉन्स्टेंट बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जावा वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे। ए वेरिएबल इज ए कंटेनर विच होल्ड्स द वैल्यू विद वाइल द जावा प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल एक कंटेनर है जहां हम लोग कोई डेटा या कोई वैल्यू स्टोर करके रखना चाहते हैं। जब हम प्रोग्राम जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे उस वक्त वो वैल्यू होल्ड करके रखेगा। ए वेरिएबल इज असाइंड विथ ए डेटा टाइप, और कोई भी वेरिएबल हम लोग विदाउट डेटा टाइप हम लोग यूज नहीं कर सकते। वेरिएबल इज ए नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, और इसको ये भी कह सकते हैं कि एक वेरिएबल क्या है, एक मेमोरी लोकेशन का एक नाम भी है जहां हम लोग वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। वेरिएबल इज ए नेम ऑफ रिजर्व एरिया एलोकेटेड इन मेमोरी, मेमोरी में एक जगह जहां हम लोग एलोकेट करते हैं, जगह छेकते हैं जहां हम लोग डेटा कुछ स्टोर करना चाहते हैं। इन अदर वर्ड्स इट इज ए नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, मतलब दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये एक मेमोरी लोकेशन का नाम है जहां हम लोग वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वैरी प्लस एबल, दो वर्ड है, वैरी मतलब डिफरेंट टाइप का और एबल मतलब योग्य, मतलब अलग अलग तरह का हम लोग कोई भी नाम यहाँ पर यूज करके हम लोग उसमें डेटा और वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। दैट मीन्स इट वैल्यूज कैन बी चेंज, और उसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए वैरी और एबल किया हुआ है। जैसे कॉन्स्टेंट में हम लोग चेंज नहीं कर सकते थे बट वेरिएबल में हम लोग वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन जावा, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल एंड थर्ड वन इज स्टैटिक वेरिएबल।
लोकल वेरिएबल मीन्स ए वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। जब हम प्रोग्राम में बॉडी के अंदर में कोई डिक्लेयर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसको लोकल वेरिएबल करते हैं कहते हैं। वी कैन यूज दिस वेरिएबल ओनली विद इन दैट मेथड एंड द अदर मेथड इन द क्लास आर नॉट इवन अवेयर दैट द वेरिएबल एग्जिस्ट। ठीक है, ए लोकल वेरिएबल कैनॉट बी डिफाइंड विद स्टैटिक कीवर्ड। और लोकल वेरिएबल को हम लोग स्टैटिक कीवर्ड से हम लोग उसको नहीं डिफाइन कर सकते, मतलब उसको फिक्स नहीं कर सकते। सेकेंड क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल, ए वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड इज कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल। मतलब इनसाइड में क्लास के अंदर में वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे बट उसको हम लोग मेथड मतलब आउटसाइड बॉडी मतलब उस क्लास के बाहर भी मेथड हम लोग उसको यूज कर सकते हैं तो उसको बोलेंगे इंस्टेंस वेरिएबल। इसको भी हम लोग स्टैटिक हम लोग डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल बिकॉज इट्स वैल्यू इट्स इंस्टेंस स्पेसिफिक एंड इज नॉट शेयर्ड अमॉन्ग इंस्टेंस। मतलब इसको हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल इसलिए कहते हैं कि इसका जो वैल्यू होगा वो स्पेसिफिक, इसको हम लोग इंस्टेंस के रूप में डिक्लेयर करते हैं। थर्ड वन इज स्टैटिक वेरिएबल, मतलब फिक्स। ए वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक इज कॉल्ड स्टैटिक वेरिएबल, इट कैनॉट बी लोकल। मतलब वो लोकली एक क्लास के अंदर यूज नहीं कर सकते, उसको हम लोग कहीं भी उसको क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा हमने, वी कैन क्रिएट ए सिंगल कॉपी ऑफ स्टैटिक वेरिएबल एंड शेयर अमॉन्ग ऑल द इंस्टेंस ऑफ द क्लास। क्लास में एक क्लास के भीतर जितने भी इंस्टेंस होंगे सब जगह उस वेरिएबल को हम लोग शेयर कर सकते हैं। मेमोरी एलोकेशन फॉर स्टैटिक वेरिएबल हैपन्स ओनली वंस व्हेन द क्लास इज लोडेड इन द मेमोरी। और जो हम लोग स्टैटिक वेरिएबल हम लोग जब लोड मतलब क्लास का मेमोरी में जब क्लास को लोड करेंगे तब उस वह स्टैटिक मतलब फिक्स करके मेमोरी को एलोकेट करेगा, मेमोरी को जगह को कैप्चर करेगा। तो इस तरह का तीन वेरिएबल हम लोग यूज करते हैं इसमें। एक एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पर डिस्प्ले किया आपको, देखिए वेरिएबल्स को यूज करने के लिए। जैसे सिंपल क्लास एक ले लिए ए नाम का, फिर देखिए यहाँ पर इंट डेटा में हम लोग क्या स्टोर किया 50, वो इंस्टेंस वेरिएबल हो गया। फिर स्टैटिक देखिए हमने लिखा एम इक्वल टू 100, वॉइड मेथड एक मेथड हमने लिया, इंट एन इक्वल टू 90, ये लोकल वेरिएबल हो गया चूँकि एक ये एक ही क्लास के अंदर मेथड के अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं इसको। ठीक है, ये सिंपल एक हम लोग यहाँ पर देखिए अलग इंस्टेंस दिखाया, स्टैटिक दिखाया, इसमें लोकल तीनों वेरिएबल को यहाँ पर हमने डिस्प्ले किया है। एंड ऑफ द क्लास एक प्रोग्राम ये था। फिर नेक्स्ट एक प्रोग्राम है जहाँ हम लोग ऐड टू नंबर्स को कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक क्लास का नाम ले लिए सिंपल, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एआरजीएस जो हम लोग लेते हैं बाई डिफॉल्ट। अब यहाँ पर देखिए ए में हमने 10 लिया, बी में 10 लिया, ए प्लस बी मतलब दोनों को ऐड करके सी में स्टोर कर दिया और सिंपल हमने यहाँ पर डिस्प्ले किया और सी को डिस्प्ले करेंगे तो 10 प्लस 10 को 20। इस तरह से यहाँ पर दो वेरिएबल वेरिएबल का एक सिंबल हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम को दिखाया जहाँ हम लोगों ने यूज किया है। तो इस तरह से हमने वेरिएबल हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है टाइप कास्टिंग इन जावा। टाइप कास्टिंग होता क्या है? इन जावा टाइप कास्टिंग इज ए मेथड और प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स ए डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप। जो हम डेटा टाइप हम लोग यूज करते हैं बेसिकली जैसे इन फ्लोट डबल जो भी लेते हैं उसको अगर हम जो डेटा टाइप भी इनपुट किए हैं अगर उसके डेटा को हम दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं दैट इज़ कॉल्ड टाइप कास्टिंग इन बोथ वेज मैनुअली एंड ऑटोमेटिकली। इसको हम लोग दोनों तरीक़े से कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं। द ऑटोमेटिक कन्वर्सन इज डन बाई द कंपाइलर एंड मैनुअल कन्वर्सन परफॉर्म बाई द प्रोग्रामर। क्लियर है? ऑटोमेटिक कन्वर्सन कौन करता है? कंपाइलर जब कंपाइल करते हैं, बट मैनुअली अगर कन्वर्सन करना है तो हम लोग प्रोग्रामर जो भी होता है वो इसको कन्वर्ट कर सकता है। इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस टाइप कास्टिंग एंड इट्स टाइप विथ प्रॉपर एग्जाम्पल। नीचे देखिए एक डायग्राम में हमने यहाँ पर शो किया टाइप कास्टिंग। देखिए दो तरह का टाइप कास्टिंग होता है, नीचे हमने एक्सप्लेन किया है सिंपल डायग्राम के थ्रू मैंने पहले दिखाया है। इसमें देखिए नैरो टाइप कास्टिंग, जैसे देखिए राइट एरो मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहा, मतलब नैरो टाइप कास्टिंग में क्या होगा कि छोटा मतलब बड़ा डेटा टाइप से छोटा की हो, जैसे डबल फिर उसे छोटा फ्लोट उसे छोटा लॉन्ग उसे छोटा इंट उसे छोटा शॉर्ट लास्ट में बाइट, ये नैरोइंग टाइप कास्टिंग बोलते हैं। जस्ट उसको अपोजिट मतलब बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल, देखिए नहीं इधर राइट टू लेफ्ट वाइडनिंग टाइप कास्टिंग बोलते हैं इसको। नीचे और देखिए एक्सप्लेन कर दिए हैं, दो तरह का है वाइडनिंग और नैरोइंग। कन्वर्टिंग ए लोअर डाटा टाइप इनटू अ हायर वन इज कॉल्ड वाइडनिंग डाटा टाइप। क्लियर है? लोअर डाटा टाइप से जब हायर वन में जाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वाइडनिंग। जो डायग्राम में आपको दिख रहा है राइट टू लेफ्ट की ओर, इट इज ऑल्सो नोन एज इम्प्लिसिट कन्वर्सन और कास्टिंग डाउन। इट इज डन ऑटोमेटिकली, इट इज सेफ बिकॉज देर इज नो चांस टू लूज डेटा। इट टेक्स प्लेस व्हेन, दो कंडीशन है, मतलब ये कहता है ऑटोमेटिकली इस तरह से हम लोग कर सकते हैं और इसमें कोई भी डेटा लूज होने का चांस नहीं होता है। इसको देखिए दो कंडीशन हमने यहाँ डाला है कि दो कंडीशन है, बोथ डेटा टाइप्स मस्ट बी कंपेटेबल विथ ईच अदर, मतलब दोनों ही डेटा टाइप
आपस में इस तरह से कंपेटेबल हो, तभी वो कन्वर्ट कर पाएगा। एंड सेकेंड वन इज़ द टारगेट टाइप मस्ट बी लार्जर दैन द सोर्स टाइप। याद रखना है कि मतलब सोर्स से बड़ा होना चाहिए टारगेट टाइप, तभी वो कन्वर्ट कर पाएगा। ये था वाइडनिंग का। नैरोइंग टाइप कास्टिंग में जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, हाइयर डाटा टाइप इनटू लोअर वन इज कॉल्ड नैरोइंग टाइप कास्टिंग। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सप्लिसिट कन्वर्सन और कास्टिंग अप। इट इज़ डन मैनुअली बाय द प्रोग्रामर। इसको हम लोग प्रोग्रामर जो है मैनुअली इसको कर सकता है। इफ़ यू डू नॉट परफॉर्म कास्टिंग देन द कंपाइलर रिपोर्ट ए कंपाइल टाइम एरर। अगर हम लोग इसको टाइप कास्टिंग नहीं करेंगे तो कंपाइलर क्या करेगा, एरर बताएगा। जैसे देखिए, डबल से फ्लोट, फ्लोट से लॉन्ग, लॉन्ग से इंट, तब कैरेक्टर, तब शॉर्ट, तब बाइट। ठीक है, तो ये था टाइप कास्टिंग। नेक्स्ट जो टॉपिक आपको पढ़ना है इसमें ऑपरेटर्स इन जावा। अभी तक हम लोगों ने वेरिएबल कॉन्स्टेंट को पढ़ा, ऑपरेटर्स, क्योंकि कई सारे ऑपरेटर्स जावा में पढ़ना है, आप सी प्लस प्लस में भी पढ़ चुके हैं इसको। ऑपरेटर इन जावा इज ए सिंबल विच इज यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस। क्लियर है, ऑपरेटर का मतलब क्या हुआ। जावा में एक सिंबल है जिसके थ्रू हम लोग कोई भी कई सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा। देर आर मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन जावा विच आर गिवन बिलो। जैसे हम लोग को जो सिलेबस में पढ़ना है, अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर एंड कंडीशनल ऑपरेटर। तो हम लोग यहाँ पर वन बाई वन स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर आर यूज इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन द सेम वे दैट यू आर यूज इन अलजेब्रा। जैसे अलजेब्रा में आप जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का यूज करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में, जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे एक में 10 ले लिए, बी में 20। अब देखिए कैसे यहाँ एक चार्ट हमने यहाँ पर डिस्प्ले किया है ताकि आप अलग अलग ऑपरेटर के थ्रू इसको यूज कर सकते हैं। तो ए और बी को अगर हम लोग एडिशन करेंगे तो क्या रिजल्ट देगा, 30, क्योंकि हम लोग लास्ट स्लाइड में आपको वैल्यू ले चुके हैं और बी का, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। ए माइनस बी तो 10, ए मल्टीप्लाई बी तो 200, बी डिवाइडेड ए तो 2, बी मॉडुलस ए तो 0, बी प्लस प्लस इंक्रीमेंट होगा तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस 1 तो 21, चूँकि आपको मालूम है कि एक वैल्यू इंक्रीज करता है। डिक्रीमेंट अगर होता है तो एक माइनस हो जाएगा 20 में एक। तो इस तरह से हम लोग सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेटर हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं ऑपरेटर जावा में। नेक्स्ट जो आपको ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर्स, ये क्या करता है, दो कंडीशन में, दो ऑपरेंड में रिलेशन बताता है। देखिए यहाँ पर एग्जांपल हम दिए हैं, चूँकि ए और बी पर ए पुट करके आप शो कर सकते हैं। जैसे अगर ए इक्वल बी इज नॉट ट्रू, ए नॉट बी इज इक्वल इज ट्रू, ए ग्रेटर देन बी इज नॉट ट्रू। इस तरह से हम लोग लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, इस तरह से हम लोग ये सारे ऑपरेटर को हम लोग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है बिट वाइज ऑपरेटर। जावा डिफाइन सेवरल बिट वाइज ऑपरेटर्स विच कैन बी अप्लाई टू द इंटीजर टाइप्स लॉन्ग, इंट, शॉर्ट, कैर एंड बाइट। बिट वाइज मतलब आपको मालूम है 01 01 01 इस फॉर्मेट में रहेगा। जैसे एग्जांपल अगर हम लेते हैं ए इज इक्वल टू 60 एंड बी इज इक्वल 13, ये डेसिमल फॉर्म में है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। नहीं तो नीचे देखिए, ए का 00 11 11 00, फिर बी का 4 times 0, फिर 1101। इस तरह से हम लोग ए एंड बी, ए नॉट बी, अलग अलग हम लोग देखिए उसको बिट वाइज के रूप में हम लोग फिर उसको कन्वर्ट करते हैं। जो आप डेसिमल कन्वर्शन, बाइनरी डेसिमल जो आप पढ़े होंगे, तो उस तरह से इसको कन्वर्ट करके हम लोग यहाँ पर बिट वाइज ऑपरेटर के रूप में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, लॉजिकल में आपको पता है एंड और नॉट आप यूज कर चुके हैं। तो जैसे ए एंड बी दो कंडीशन को चेक करना हो तो यहाँ पर एंड में क्या होता है, दोनों ही कंडीशन ट्रू होना चाहिए, देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। तो देखिए यहाँ पर ए एंड बी इज फॉल्स, इस तरह से ए और बी का वैल्यू पुट करके हम लोग चेक कर सकते हैं। जनरली एंड ऑपरेटर दोनों कंडीशन को चेक करता है, दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, कॉल्ड लॉजिकल और ऑपरेटर। और में क्या होता है, दो में से अगर एक कंडीशन सही है तो देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। ठीक है, नॉट में जस्ट उसका अपोजिट। ठीक है, जो भी कंडीशन दे रहे हैं उसका जस्ट अपोजिट, अगर वो सही है तो उसका रिजल्ट फॉल्स होगा, और अगर वो ट्रू है तो उसका फॉल्स होगा तो उसका रिजल्ट ट्रू होगा, मतलब जस्ट अपोजिट। तो इस तरह से एंड और नॉट ये लॉजिकल ऑपरेटर हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपको है इसमें पढ़ना है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, जनरली आप देखते होंगे जैसे हम लोग सिंग इक्वल बोलते हैं, तो जैसे सी इक्वल ए प्लस बी, तो इसको हम लोग असाइन करेंगे। एक्चुअली ये असाइन है, यहाँ इक्वल नहीं, इक्वल का मतलब होता है डबल इक्वल टू। असाइन का मतलब होता है कि ए प्लस बी का वैल्यू को ऐड करके हम लोग सी में स्टोर किए। इसका मतलब हो गया ए प्लस बी इंटू सी, मतलब ए प्लस बी को ऐड करेंगे और सी में स्टोर करेंगे। नीचे देखिए उसको कैसे लिखते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं सी प्लस इजकल टू ए, मतलब सी इजकल टू सी प्लस ए, ये इक्विवेलेंट होता है। फिर सी माइनस इजकल टू ए भी इक्विवेलेंट होगा सी इजकल टू सी माइनस ए, सी मल्टीप्लाई इजकल टू ए। इस तरह से ये दो ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन को हम लोग जनरली असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज, सब में इक्वल का यूज होगा।
इसका मतलब ये शॉर्ट में एक्चुअली लिखने के लिए यूज करते हैं, जैसे सी इक्वल टू सी इंटू ए, तो उसको हम लोग सी मल्टीप्लाई इजकल टू ए भी लिख सकते हैं। सी डिवीजन इजकल टू ए इज इक्वलन टू सी इजकल टू सी डिवाइड बाई ए, सी मॉडुलस ए इक्वल टू ए इज इक्वलन टू सी इक्वल टू सी प्लस मॉडुलस ए, इस तरह भी यूज कर सकते हैं। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर था। नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है इसमें इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये आप पढ़ चुके हैं सी प्लस में, फिर भी यहाँ पर देखेंगे हम लोग। द जावा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर रिक्वायर ओनली वन ऑपरेंड। आपको मालूम है कि एक ही ऑपरेंड यूज होता है, जैसे आई प्लस प्लस या प्लस प्लस आई। तो देखिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर में आपको पता है कि इसमें एक वैल्यू इंक्रीमेंट होता है, हालांकि ये इंक्रीमेंट भी दो तरह का होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट किसको बोलते हैं, जैसे आई प्लस प्लस, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वैल्यू इज फर्स्ट यूज फॉर कंप्यूटिंग द रिजल्ट देन इंक्रीमेंटेड, पहले वैल्यू डिस्प्ले करेगा तब उसका एक उसमें ऐड करेगा। प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है कि पहले वैल्यू इंक्रीमेंट मतलब प्लस प्लस आई, तो पहले वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा देन रिजल्ट कंप्यूटेड, तब रिजल्ट को डिस्प्ले करेगा। सेम उस तरह से डिक्रीमेंट ऑपरेटर, दो माइनस, यहाँ पर एक वैल्यू डिक्रीमेंट होगा। यहाँ पर पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या होता है कि पहले वैल्यू यूज करेगा रिजल्ट के लिए देन डिक्रीमेंट करेगा। प्री डिक्रीमेंट मतलब माइनस माइनस आई, तो पहले डिक्रीमेंट करेगा तब आई को डिस्प्ले करेगा। इस तरह से हम लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का ऑपरेटर का यूज करते हैं। एक नीचे एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पर डिस्प्ले किया है ताकि आपको क्लियर हो जाए, जिसमें दोनों ऑपरेटर का यूज किए हैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। देखिए यहाँ पर क्लास का नाम हमने दिया है ऑपरेटर एग्जाम्पल, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एआरजीएस, ठीक है। इंट एक्स में हम लोगों ने 10 असाइन किया, एक्स में हम लोगों ने क्या लिया 10। अब नीचे देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एक्स प्लस प्लस, मतलब क्या हो गया, पहले एक्स का वैल्यू डिस्प्ले करेगा, मतलब एक्स वैल्यू कितना 10 है, तो 10 डिस्प्ले करेगा, देन एक 1 इंक्रीमेंट करेगा। तो देखिए बगल में ब्रैकेट में उसका आउटपुट यहाँ पर शो किया 11 आ जाएगा। फिर नीचे आ जाइए, अब चूंकि एक्स का वैल्यू 11 हो चुका है तो नीचे प्लस प्लस एक्स है, मतलब पहले ही प्लस है, मतलब क्या होगा, ये प्री इंक्रीमेंट है, मतलब पहले ही एक ऐड हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू 1 ऑलरेडी हो चुका है, तो 11 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 12, तो इसीलिए देखिए बगल में आपको 12 वैल्यू उसका शो कर रहा है। फिर नीचे आ जाइए, अब यहाँ पर एक्स माइनस माइनस, तो एक्स का वैल्यू 12 हो चुका है, तो पहले एक्स है, मतलब पहले एक्स का वैल्यू डिस्प्ले करेगा देन 1 माइनस कर देगा, तो 12 पहले डिस्प्ले करके तब कंप्यूट करेगा, फिर वहाँ पर माइनस कर देगा, मतलब अब एक्स का वैल्यू कितना हो गया 11। अब नीचे आ जाइए, अब एक्स का वैल्यू 11 हो चुका है, तो नीचे माइनस माइनस एक्स है, मतलब पहले ही माइनस है, मतलब क्या होगा, माइनस हो जाएगा एक वैल्यू, तो 11 से एक माइनस हो जाएगा कितना हो जाएगा 10। तो इस तरह से फाइनली एक्स का वैल्यू 10, इस तरह से नीचे अलग अलग डिस्प्ले करके यहाँ पर हमने शो किया है, पहले 10 दिखाया, फिर 12, फिर 12, देन 10, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में हम लोगों ने देखा, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर इज ऑल्सो नोन एज द टर्नरी ऑपरेटर, इसको हम लोग एक टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है। दिस ऑपरेटर कंसिस्ट ऑफ 3 ऑपरेंड्स एंड इज यूज टू इवेलुएट बुलियन एक्सप्रेशन, एक्चुअली इसमें 3 ऑपरेंड होता है और इसका जनरली बुलियन एक्सप्रेशन के थ्रू ये जनरली हम लोग उसको चेक करने का, हम लोग इवेलुएट करने का प्रयास करते हैं। द गोल ऑफ द ऑपरेटर इज टू डिसाइड विच वैल्यू शुड बी असाइन टू द वेरिएबल, एक्चुअली इस ऑपरेटर का मतलब क्या, यूज करने का पीछे क्या लक्ष्य है, क्या कारण है कि किस वैल्यू को हमको वेरिएबल में असाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि दो कंडीशन है, हम लोग कौन वैल्यू को असाइन करना चाहते हैं उसको हम यहाँ पर जनरली टर्नरी ऑपरेटर से यूज करते हैं। देखिए एग्जांपल यहाँ पर दिए हैं, पब्लिक क्लास टेस्ट, ठीक है, क्लास का नाम ले लिए टेस्ट, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एआरजीएस, इंट ए बी, दो वेरिएबल ले लिए ए और बी। ए में हम लोगों ने क्या यहाँ पर इनपुट किया 10, अब देखिए बी इजकल टू, तो कंडीशन डाला हुआ ए असाइन मतलब इक्वल टू 1 टर्नरी ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क 20 देन कॉलन 30, ये टर्नरी ऑपरेटर का इस तरह 3 ऑपरेंड हो गया यहाँ पर। अब डिस्प्ले करेगा, अगर ये कंडीशन कहता है कि ए अगर चेक करेगा, ए अगर 1 है तो 20 दिखाएगा, नहीं तो 30 दिखाएगा, वो बी में फिर स्टोर कर देगा लाके और ये डिस्प्ले करेगा। नीचे देखिए फिर बी इक्वल टू, फिर वहाँ पर ए इक्वल टू 10 हम लोगों ने चेक कर रहा है कि अगर ए 10 है तो 20 डिस्प्ले करेगा, अदरवाइज 30 डिस्प्ले करेगा। दोनों ही कंडीशन ने बी को बी में असाइन किया है। तो देखिए पहला लाइन का डिस्प्ले क्या थी 30, क्यों 30 दिया, क्योंकि वहाँ पर ए का वैल्यू 10 है, तो हम लोग क्या चेक कर रहे हैं एज कल टू 1, वो गलत है, तो एज कल टू 1 तो उसको 20 हो जाएगा, लेकिन चूंकि गलत है इसलिए बी का वैल्यू जो है 30 डिस्प्ले कर दिया। फिर नीचे देखिए ए का वैल्यू 10 सही है तो उसका पहला कंडीशन का जो आउटपुट होगा 20, वो 20 देखिए बी का वैल्यू 20 डिस्प्ले किया। तो इस तरह से ये टर्नरी ऑपरेटर, और इसको हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर के रूप में बात करते हैं। तो इस तरह से हम लोग आज कई सारे ऑपरेटर्स के बारे में पढ़े, तो जावा में
आज इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हम आगे और हम लोग फिर आएंगे। तब तक आप पढ़िए इसको। ओके, थैंक यू।